हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इंडियन कुजीन में। आज मैं आपके लिए टिकटॉक ब्रेप या ट्रेंडिंग ब्रेप भी इन्हें कहा जाता है, ये आजकल यूट्यूब पे बहुत ही ट्रेंड में है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो अगर आपको देखने के बाद पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच ऑयल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की टिक्की, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक यहाँ पे डाल दी है और उसके भुनने के बाद में मैं इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी और इसे भी भून लूंगी। उसके बाद में मैं इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से सौटे कर लेंगे। सिर्फ पिंक होने तक ही हमें इसे भूनना है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मटर यूज की है जिसको मैंने बॉइल कर लिया था और रफली चॉप कर लिया था। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप नमक स्वाद अनुसार लें। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच के लगभग मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज किया है। बच्चों के लिए बनाएं तो थोड़ा कम ही तीखा डालें। इनको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों को भून लूंगी। 4 आलुओं को मैंने बॉइल करके छील के मैश कर लिया है, ठंडा करके मैंने इसमें डाला है। अभी इनमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में। और आपको ध्यान रहे कि हम आलू टिक्की बनाने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा हम मैश करते हुए ही मिक्स करेंगे ताकि आलू की टिक्की बनाने में सावधानी हो। अगर आपको लगे कि ये बैटर गीला है तो आप उसमें चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज करें। हरा धनिया डाल के मैंने मिक्स कर लिया और उसको थोड़ा सा बैटर हाथों में लेंगे और इसका चिकना करके टिक्की जैसा शेप दे देंगे। इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियां बना लूंगी। यहाँ पे मैंने एक तवा गरम कर लिया, उसमें बटर डाल रही हूँ। टिक्की को सेकने के लिए आप घी या ऑयल किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। सभी टिक्कियों को मैं रख दूंगी और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पहले मैं हाई फ्लेम पे और उसके बाद मैं लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड से सेकेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इनको मैं पलट लूंगी और दोनों साइड से भी 5 से 7 मिनट के लिए सेक लूंगी। तो आप देख सकते हैं टिक्की को बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और ये काफी अच्छी क्रिस्पी दिख रही है। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। रोटियां मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। 1/2 आटा 1/2 मैदा मैंने इसके लिए यूज किया था। नमक और घी डाल के आटा लगा लिया था जैसा रोटियों के लिए हम लगाते हैं। और पतली बड़ी सी रोटी मैंने सेक के तवे पे थोड़ा सा घी लगा के दोनों साइड से इसे सेक लिया था। तो इस तरीके से मैं इन्हें एक साइड से कॉर्नर से कट कर दूंगी। रोटियां सेकने के बाद में आप इसी तरीके से इन्हें फोल्ड करके रखें। तो स्टफिंग करने के बाद में इस तरीके से हम इन्हें फोल्ड करेंगे। तो पहले हम इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने उसके लिए चीज लिया है, दही में मैंने हरी चटनी को मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास मायोनीज है और थोड़ा सा हमें टोमेटो केचप लगेगा। और यहाँ पे मैंने सैलेड लिया है, सैलेड आपके पास जो अवेलेबल हो, कैप्सिकम, कुकुम्बर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज करें। तो इस तरीके से एक कॉर्नर इसका हम कट कर देंगे और उसके बाद में जो हरी चटनी मैंने दही में मिक्स करके रखी थी वो लगा देंगे। और उसके बाद में हम इसमें दूसरी साइड में लगाएंगे मायोनीज। मायोनीज लगाने के बाद में इस पे हम आलू की टिक्की रखेंगे और उसके बाद में दूसरी साइड में हम इसमें लगाएंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप लगाने के बाद में इसे अच्छे से फैला देंगे हम। टोमेटो केचप लगाने के बाद में इस पे मैं सैलेड रखूंगी। मैंने अब पत्ता गोभी और गाजर को लंबा काट के लिया था वो रख दूंगी और उसके बाद में दूसरी साइड में मैं इसमें मोजरेला चीज रख रही हूँ। आपके पास स्लाइस चीज, पार्मेजान चीज, जो भी चीज अवेलेबल हो वो चीज आप यूज करें। और उसके बाद में इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में हम इसे सेकेंगे। तो अगर आपके पास बिग ग्रिल नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कोई भी नॉर्मल नॉन स्टिकी पैन या फिर नॉर्मल आयरन का जो तवा रहता है वो यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद में इसको रख दिया है। 1 से 1.5 मिनट हम इसे एक साइड से सेकेंगे, फिर उसके बाद में हम दूसरी साइड से पलट के इसे सेक लेंगे। ऊपर की लेयर इसकी बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है और अंदर ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट होता है। थोड़ा सा ऑयल मैं और इसमें यूज करूंगी। आप बटर या घी इसको सेकने के लिए जो भी यूज करना चाहें वो करें। आप बच्चों के लिए बना रहे हो और अपनी फैमिली के लिए तो आप आटे का ही नॉर्म सिर्फ यूज कर सकते हैं। आपको मैदा यूज करने की जरूरत नहीं है, बस उसे पतली और बड़ी रोटी आपको सेक करके लेनी है। तो ये सेक के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही डिलीशियस लग रही है देखने में। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेसिपी है। आप भी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें घर पे। तो आपको वीडियो अगर
पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।